आइए आपका स्वागत है। मैं आज आपको अफीम मॉर्फिन हीरोइन इसके एडिक्शन के एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, पेशेंट की स्टडी है उसके बारे में बताता हूँ। तो आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो पेशेंट बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, इसको कहाँ से लग गई उसको भी मालूम नहीं, मगर अभी पहले ट्रक ड्राइवर था, अभी एक होटल में काम करते रहता है और उसको लत है ये पाउडर की। ये बोलता है कि भाई ये अफू की पाउडर है और ये पाउडर उसको पहले 2-2.5 किलो हर महीने में लगती थी, 4,000, 4,500, 5,000 रुपये किलो फिर इसका भाव था। 2-2.5 किलो हर महीने में लेता था, एक चम्मच वो लेता है पानी के साथ में, एक चम्मच खाता है वो, और उससे उसको नशा चढ़ जाता है और नहीं खाई तो उसको लगता है कि अपन मर जाएंगे। एकदम जैसा मुंडी नीचे डाल के वो बैठेगा, वो हिल भी नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता, ऐसी उसको लत लगी हुई है। तो आइए उसको देखते हैं। क्या हो रहा है आपको? मेरे को छाती है ना, ये धक-धक करता है, छाती धक-धक करता है और पेट फूलता है, पेट फूलता है, हाँ पेट फूलता है, और ये जो अपना सिर है ना ये भी भारी भारी रहता है, इसमें ऐसा झपक झपक रहे, सिर भारी भारी होता है और सिर में झपल झपल करता। हाँ और क्या होता? बस यही होता। और ये कभी कभी हाथ पैरों में झंझनाहट भी आती है, हाथ पैर में झंझनाहट आती है। हाँ और क्या हो रहा? बस कितने दिन से हो रहा सब ये? कभी हमने वो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो रहे? हाँ। तो आपने दवाई वगैरह लिया इसके लिए? पहले आया था मैं यहाँ पे, हाँ 4 दिन रुक के गया था, तो उस समय आराम पड़ा था आपको 4 दिन रुके नहीं, मगर यहाँ आने के पहले और कहीं दवाई लिया था आपने? बहुत इंदौर भी चला गया, भोपाल भी, बहुत रिपोर्ट रखी मेरे पास, इंदौर दवाई लिया था, भोपाल लिया था। हाँ। तो फिर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था? नहीं हुआ। यहाँ फायदा लगा आपको? फायदा लगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप कहाँ के रहने वाले वैसे? मैं सीहोर जिला का हूँ, एमपी। एमपी में शिवर? शिवर जिला। शिवर जिला है। हाँ। काम क्या करते हो? खेती करता हूँ। खेती। इसके अलावा और क्या क्या पेट का तकलीफ है? बस ये पेट में है ना, गैस बनना। हाँ। लेटरिंग सही साट नहीं आना और ये यहाँ ऑटोमेटिक धक धक चलना चालू होता है। पेट में गैस बनता है? हाँ। लेटरिन साफ नहीं होती? नहीं होती। और धक 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 चलता है? हाँ चलता। पेट में धक धक चलता है? नहीं, यहाँ पे छाती में धक धक चलता है। अच्छा, कभी कभी छाती दर्द करता है। हाँ हाँ। नींद आती कि नहीं? नहीं, नींद पूरी तरह नहीं आती। हाँ। रात को नींद ही नहीं आई। रात को नींद नहीं आई, ठीक है। तभी ठीक लग रहा है अभी थोड़ा सा? हाँ भी ठीक, ठीक है। अच्छा, बहुत है, दवाई बराबर लो। हाँ। ठीक हो जाएगा। हाँ। आप ज्यादा सोचते हो बहुत ज्यादा? हाँ सब, दिमाग में कुछ आ जाता है तो फिर क्या दिमाग में आता है, क्या सोचते है? अरे सर, ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी कि अपने को क्या हो गया ये, ऐसा कि जो अपने इतने परेशान हो रहे हैं। हाँ हाँ है ना, बोला अच्छा मजे का, पहले अच्छा खासा घुमाता था लेकिन अब कुछ ऐसा दिमाग में आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रही है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है। हाँ ऐसा हो रही है। नसीब को दोष देते? हाँ। टेंशन काय का लेते? सर टेंशन ही, इसी बात का टेंशन हो रही है बस, ये किसी अच्छा, का बच्चों का टेंशन। हाँ बच्चों का टेंशन, किसी को देने का कर्जा है क्या? कर्जा है थोड़ा, कर्जा है थोड़ा सा। हाँ। तो कर्जे से होता है। और देना वेना कितना पैसा है लोगों का? कोई 1 लाख। 1 लाख रुपए देना है। काम क्या करते बताए? किसानी करता हूँ, खेती खेती। हाँ तो फिर उसमें पैसा देना पड़ेगा। हाँ, लोगों को उसमें। ठीक है, अच्छे हो जाएंगे आप। हाँ। है ना, दवाई लो। हाँ। दवा और दुआ दोनों काम करेगी। ठीक है ना, आपकी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। अभी ये जो मॉर्फिन है, हीरोइन, ब्राउन शुगर, अफीम, अफू, इसके लिए अभी दवाई आई हुई है कि वो दवाई हम यदि पेशेंट को देते हैं तो उसको वो लत, वो डोज लेने की उसको जरूरत नहीं है, वो गोली खा सकता है सुबह शाम। तो उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि वो दवाई, मतलब वो जो नशा करता है, वो नशा नहीं करने उसको जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ उसको होती नहीं है क्योंकि ये गोली खाता है। और फिर धीरे 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 ये गोलियाँ कम कम करते करते हम गोलियाँ बंद कर सकते हैं। तो ये OPD लेवल पे भी ट्रीटमेंट इसकी होती है, मगर हम इसके लिए हम एडमिशन करो, पेशेंट को भर्ती करो, दाखिल करो, ऐसा बोलते हैं। तो दाखिल करके इनका इलाज होता है। तो ये जो है, हमने उसको दवाई दिया और अभी धीरे 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 वो जो गोली है कि जिससे उसकी लत कम हो जाएंगी, वो गोली भी धीरे धीरे कम करेगा और इसका इलाज ये, मतलब नशा मुक्त हो सकता है। ये इतने बड़े पैमाने पे है, स्पेशली ट्रक ड्राइवर से, और मतलब ये ढाबे पे चलते रहता है, बेचे जाता है, अलग अलग पान पट्टी के ऊपर बेचे जाता है, अलग अलग ठिकाने वहाँ बेचे जाते हैं सब ये, और जो लोग लेते हैं उनको ठिकान मालूम है कि क्या है। तो काफ़ी लोगों को ये लत है, इसका इलाज करने के लिए आप जरूर लोगों को ये वीडियो शेयर करो ताकि लोग इसका इलाज करेंगे और अपना जीवन जो है वो अच्छा जी सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।